हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किशनपुर नाम के गांव में दीपिका अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। क्योंकि एक दिन घर में आग लग जाने के कारण दीपिका के माता पिता की मृत्यु हो जाती है और घर पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। दीपिका इसलिए बच गई क्योंकि वह स्कूल में पढ़ने गई थी। इस हादसे के बाद दीपिका के चाचा अशोक दीपिका को अपने साथ घर ले आते हैं, लेकिन दीपिका की चाची कमला बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह बिल्कुल ही निर्दय और कठोर स्वभाव की औरत थी। कमला बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि दीपिका उसके साथ उसके घर में रहे। वह अपने पति के पीठ पीछे दीपिका पर बहुत अत्याचार करती थी ताकि दीपिका खुद यह घर छोड़कर चली जाए। कमला की एक बेटी थी प्रिया, जो बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। वह दीपिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि प्रिया का रंग दीपिका के रंग के मुकाबले काला था और वह दिखने में भी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन दीपिका प्रिया के कमरे में सफाई कर रही थी कि तभी दीपिका की नज़र प्रिया के सुंदर सुंदर सैंडल पर पड़ती है। प्रिया की सुंदर सुंदर सैंडल देखकर दीपिका खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह प्रिया दीदी के पास तो कितनी सारी सुंदर सुंदर रंग बिरंगे सैंडल हैं। लाल, पीली, हरी और यह सुनहरी तो बहुत ही सुंदर लग रही है। ऐसी सैंडल तो सिर्फ मैंने सपने में ही देखी थी, हकीकत में तो आज पहली बार देख रही हूँ। प्रिया दीदी की जिंदगी में तो मजे ही मजे हैं। सुबह 8 बजे उठकर स्कूल चले जाओ और फिर बाकी के समय में दोस्तों के साथ मजे करो। उन्हें तो घर के काम की कोई चिंता ही नहीं रहती। और वही मुझे सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले पूरे घर की साफ सफाई करनी पड़ती है और फिर प्रिया दीदी के उठने से पहले ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ता है। हे भगवान, आप यह मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो। अगर आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो मैं भी प्रिया दीदी की तरह खूब मजे करती। दीपिका इतना कह ही रही होती है कि तभी प्रिया दीपिका की सभी बात सुन लेती है और कहती है, गरीब गवार, मुझे लगता है कि तू अपनी औकात भूल गई है। तू इस घर की नौकरानी है और मैं इस घर की मालकिन, और तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे सैंडल देख रही है। और तू ये क्या कह रही थी कि मैं पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती हूँ। तेरी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई और मैं तेरे रहते हुए घर का काम क्यों करूं। तुझे पता भी है आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है और मेरे पिताजी ने तुझे फ्री में इस घर में रखा हुआ है। प्रिया दीपिका के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तभी प्रिया की आवाज सुनकर कमला वहां आ जाती है और कहती है, प्रिया बेटी क्या हुआ जो आज तू इतनी जोर जोर से इस दीपिका पर चिल्ला रही है। कुछ नहीं मम्मी, यह गरीब मेरी सैंडल को हाथ लगा रही थी। मुझे तो लगता है जब मैं कहीं बाहर घूमने जाती हूँ तो यह मेरे कपड़े पहन पहन कर देखती होगी। मम्मी जी, मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि आपने इस गरीब को घर में क्यों रखा हुआ है। प्रिया के मुंह से इतना सुन कमला को दीपिका पर गुस्सा आता है और वो कहती है, मनहूस दीपिका, तूने सुबह सुबह मेरी बेटी का मूड खराब कर दिया। अगर तुझे इस घर में रहना है तो आज के बाद मेरी बेटी की किसी भी सामान को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगी और फिर इस घर से निकाल भी दूंगी। फिर कहीं चौराहे पर बैठकर भीख मांगते रहना। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब यह हमारे घर में आई थी। ऐसा कहकर कमला और प्रिया दोनों वहां से चली जाती है। तभी एक दिन कमला अपनी बेटी से कहती है, प्रिया बेटा एक बात मुझे सच सच बताओ कि तुम इस मनहूस से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती हो और हमेशा मुझसे इसकी पिटाई क्यों करवाती रहती हो। माँ, मैं आपको सच सच बताती हूँ, दरअसल कल जो मेरे दोस्त आए थे वह दीपिका की कितनी ज्यादा तारीफ करते हैं और आपने सुनीता आंटी के मुंह से तो नहीं सुना था। वो कह रही थी कि दीपिका चांद जैसी राजकुमारी लगती है। मम्मी जी, अब आप ही बताइए, अगर मेरे सामने कोई उस मनहूस की तारीफ करेगा तो मुझे गुस्सा आना तो बनता है ना। मम्मी जी, आप कुछ करते क्यों नहीं हो। हाँ बेटी, तो सही कह रही है, जो भी रिश्तेदार हमारे घर आता है वह दीपिका की तारीफ जरूर करता है, मगर बेटी तू चिंता मत कर। उस दिन के बाद कमला और प्रिया दोनों दीपिका पर बहुत अत्याचार करते हैं और बाद में उसे अपने आगे का बचा कुचा खाने के लिए देते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और फिर एक दिन कमला अपनी बेटी प्रिया को तैयार कर रही थी। दीपिका, ओ दीपिका जल्दी। हाँ, अपनी चाची कमला की बात सुनकर दीपिका सभी काम छोड़कर वहाँ आ जाती है। जी माँ।
सुन दीपिका, आज मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए तू पूरे घर की साफ सफाई कर दे और उसके बाद चाय और नाश्ता भी तैयार कर दियो। और सुन, अपना यह सुंदर चेहरा लेकर लड़के वालों के सामने मत आ जाना। तेरे कमरे में जो तेरी माँ की पुरानी साड़ियाँ रखी हुई है, उसी में से एक साड़ी पहन लेना। कुछ देर बाद लड़के वाले आ जाते हैं। कमला उनका स्वागत करती है। आइए आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। लड़के वाले सोफे पर बैठ जाते हैं और कुछ देर की बातचीत के बाद लड़के की माँ बोलती है, बहन जी बातें तो बहुत कर ली, अब अपनी बेटी को भी बुला लीजिए। हाँ बहन जी, अभी बुलाती हूँ। प्रिया प्रिया, बेटी जल्दी बाहर आ जाओ। तभी प्रिया वहाँ आ जाती है और सभी को नमस्कार करती है। वहीं दूसरी तरफ दीपिका अपनी माँ की साड़ियाँ देख रही थी। अरे मेरे कमरे में तो माँ की बहुत सारी साड़ियाँ रखी हुई थी और मुझे पता भी नहीं था। अरे यह क्या, इन साड़ियों में तो 3 लहंगा भी है। इस लहंगे को मैं अभी पहन कर देखती हूँ। दीपिका जल्दी से वह लहंगा पहन लेती है। लहंगा पहनते ही दीपिका बहुत ज्यादा खूबसूरत दुल्हन के रूप में बदल जाती है। दीपिका अपना यह रूप देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी कमला की आवाज आती है, अरे दीपिका बेटी, मेहमानों के लिए जल्दी से चाय ले आओ, इतनी देर क्यों लग रही है। दीपिका जल्दी से चाय लेकर वहाँ पहुँच जाती है। दीपिका बहुत ही सुंदर लग रही थी। लड़का और लड़की की माँ दोनों दीपिका को देखते ही रहते हैं। अरे बहन जी, आपने मुझे बताया नहीं कि आपकी एक और बेटी है, वह भी मोरनी जैसी सुंदर। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ, आप हमारी बेटी की शादी दीपिका के साथ करवा दीजिए। मुझे यह लड़की बहुत पसंद है और यह हमारी बेटी के लिए भी परफेक्ट रहेगी। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें बहू के रूप में तो दीपिका चाहिए। आप यह कैसे कह सकते हो, आप तो मुझे देखने आए थे ना। परंतु अब मेरी बेटी की शादी दीपिका के साथ ही होगी और हम अगले ही महीने शादी पक्की करते हैं। इतना कहकर लड़के वाले चले जाते हैं और लड़के वालों के जाते ही प्रिया और उसकी माँ का दीपिका पर अत्याचार शुरू हो जाता है। कमीनी, नमक हराम, तुझे तो मजा आ गया होगा मेरी बेटी की शादी तोड़कर। सच बता तो इतनी जल्दी खूबसूरत कैसे हो गई। मेरा यकीन करो माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस माँ का पुराना लहंगा ही पहना था और यह सब हो गया। अगर ऐसी बात है तो अपनी माँ का पुराना लहंगा मुझे भी दे, मैं भी तेरी तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत होना चाहती हूँ और फिर मेरे दोस्त मेरा मजाक नहीं उड़ाया करेंगे। मुझे जल्दी से वह लहंगा दे दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। हाँ एक लहंगा मुझे भी दे, मैं भी सुंदर दिखना चाहती हूँ। दीपिका कमला और प्रिया को एक एक लहंगा दे देती है। लहंगा पहनते ही दोनों माँ बेटी एकदम कोयले की तरह काली हो जाती है। क्या क्या हो गया बेटी, यह लहंगा पहनते ही हम दोनों एकदम काली कैसे हो गए। तभी वहाँ पर दीपिका की माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है और कहती है, यह तीनों जादुई लहंगे हैं और जो भी व्यक्ति इस लहंगों से अपने स्वार्थ के लिए लालच में आकर कुछ भी मांगता है, यह लहंगे उसका उल्टा ही करते हैं। और रही बात मेरी बेटी दीपिका की, तो वह तुम्हारी तरह बिल्कुल भी लालची नहीं है और वह बूढ़े और बुजुर्गों की सहायता भी करती है, इसलिए उसके कर्मों को देखकर जादुई लहंगे ने उसको गोरा बना दिया और तुम्हें काला। इतना कहकर दीपिका की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। कमला और प्रिया को उसके कर्मों की सजा मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।